नमस्कार, एसएस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एयू बैंक कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है पत्रकारों को प्रेस एंड लॉगो को लेकर दी गई धमकी, मामला पहुंचा पुलिस थाने तक। डिजाइन और हमारा डिजाइन बिल्कुल अलग है, उसके बावजूद उन्होंने अपोज किया। ठीक है, वो अपोज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नियम है कि आप 6 महीने तक कोई अपोज कर सकता है। अपोज प्रपोजल था हमारा, अपोज हो गया, हमने उसका जवाब दे दिया। जवाब देने के बावजूद हमको लगातार उनके बाउंसर्स बैंकर की धमकी दे रहे हैं। हमने वो परिवार, पहले तो हमें पता ही नहीं लगा था कि ये लोग ईयू से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आया था ना, तो हमने उनके बारे में कोई न्यूज़ चलाई नहीं, तो उनसे हमारा कोई लेना देना था। जब उन्होंने धमकी दी तो हमने भागवंडा थाने परिवार की तरफ उसके पास धमकी यही उन बैंक के कर्मचारी, उनके बाउंसर्स, उस तरीके के लोग थे। पर हमें पहले नहीं पता था, जब धमकी दी गई, जब हम थाने गए, जब थाने में कार्रवाई हुई तब पता पड़ा कि वो बंदा वहाँ जॉब करता है। तब बात हुई तब बोले हम तो इनको बंद कराने आए। तो किस बेसिस पे आप बंद कराने आए, पूछा गया, बोले हमारा लोगो यूज़ कर रहे हैं। फिर आप प्रपोजल हमारे को था, आप वहाँ अपोज करें, हमने ये बात कही, उन्होंने अपोज किया, हमने वहाँ जवाब दे दिया। उसके बावजूद हमारे साथ लगातार बदमाशी हो रही है, हमें रोज़ धमकी दी जा रही है। जब हम परिवार दिया उसके बाद उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ कुछ नहीं होगा, पर लगातार होता जा रहा है। वो हमें क्लियर कह रहे हैं कि हमारी तो पुलिस को पूरी जानकारी है, और कोर्ट में लोगों के लिए हमारा केस चल रहा है, तो इन्होंने यहाँ कोर्ट में, कॉमर्शियल कोर्ट में केस कर दिया, जिसमें इन्होंने स्टे ले लिया बिना हमारे को नोटिस मिले, बिना कुछ करे, कि जब थी का अगर आपको एक आदमी को सुनाई नहीं गया, उसको नोटिस ही नहीं दिया गया, तो